सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करती हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करती हैं। आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ मन मिले। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी की एक प्यारी से मुस्कुराहट बनाती है। आज का पंचांग 24 जनवरी 2023 दिन मंगलवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 3:22 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 9:58 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:12 से 4:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। गणेश जयंती की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 24 जनवरी 2023 दिन मंगलवार, आप अभी काम में किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। अध्यापक या सलाहकार से मार्गदर्शन के लिए मिले, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालें, अपनी चिंताओं को रहस्य न रखें या किसी जोखिम भरे व्यवहार में लिप्त न हों। यह समय अच्छे अवसरों से भरा हुआ है। हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए आज आप पूरी तरह से तैयार हैं। परिवार की ओर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं किंतु आपकी विवेक और आत्मविश्वास से सब कुछ सही हो जाएगा। नए कार्य नीति और विचारों और योजनाओं से बनाई जाती है, इसलिए अपनी विचार शक्ति को कभी भी कम ना होने दें। कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधि में बिताने से ऊर्जा महसूस करेंगे। विद्यार्थी प्रोजेक्ट पूरा होने से गर्व महसूस करेंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपके संचय का फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जिन बातों को आप अभी तक नजरअंदाज कर रहे हैं उनकी अहमियत पता चलने से आपके कामों में सुधार होगा। हर व्यक्ति के साथ कुछ परिचय के कारण काम के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। करीबी व्यक्ति को जाने अनजाने में आपकी वजह से परेशानी हो सकती है। काम से संबंधित निर्णय लेने से पहले सिर्फ पैसों के बारे में ना सोचें, घर परिवार के बारे में भी सोचें। गलत रिलेशनशिप से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। सावधानियां, पेरेंट्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज्यादा अंकुश लगाने से बच्चे और जिद्दी बन सकते हैं। पड़ोसी के साथ छोटी सी बात बहस का मुद्दा बन सकती है। बेहतर रहेगा शांति और धैर्य रखें। बात करते हैं सेहत की। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह संबंधित शुभ सूचना मिल सकती है। अगर साथी की तलाश है तो अभी थोड़ा इंतजार करें क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। भविष्य में रोमांस के छड़ मिलेंगे। सफर में हुई गड़बड़ी या किसी की लाइलाज बीमारी के कारण तनाव महसूस हो सकता है। आपके लव लाइफ में आज एक नया मोड़ आने वाला है जिससे आप दोनों के बीच की घनिष्ठता बढ़ेगी। घरेलू जीवन में कुछ चिंता के पल आ सकती हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छी तरह तैयार नहीं हैं। रिश्ते में गलतफहमी कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उन गलतफहमियों से अपने रिश्ते में कोई अंतर न आने देना बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं करियर की। आने वाले खतरे या मुसीबत के लिए आप अभी तैयार हैं। लोगों से बातचीत करें और अपने विचारों को उनसे बांटकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रदर्शन करें। सफर के दौरान गड़बड़ी की संभावना से बचने के लिए आज यात्रा ना करें। इतिहास खुद को दोहराता है, इसलिए अच्छा करें और अच्छा पाएं। आज आप नई योजनाएं बनाएंगे। नई और अप्रत्याशित घटनाओं से आपके मन में नए विचार आना स्वाभाविक है। अचानक किसी यात्रा का भी योग है। घर में किसी मुसीबत से सामना हो सकता है, लेकिन आप इस स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें। रूटीन और खान पान को संयमित रखें। लो बीपी को नजरअंदाज ना करें। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। शुभ रहेगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।